ये तो पुरुषार्थ होना और न होना, उपाधि होना और न होना, इसके साथ निर्गुण सगुण का संबंध है। प्रीति का विषय भगवान को बनाओ, चाहे वो निराधरण हो और चाहे साधारण हो, चाहे निरुपाधि हो चाहे सुपाधि हो, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे सविशेष हो चाहे निर्विशेष हो, लेकिन अपनी प्रीति का विषय माने जिससे हम प्रेम करें वो भगवान हो। ये सवाल हल हो गया, हमें प्रेम को भगवान से करना है। बोले कि भाई हम तो भगवान से प्रेम करें, परंतु भगवान भी हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं? एक प्रश्न होता है, ये छठा पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ है और भगवान से प्रेम करना पांचवा पुरुषार्थ है। और भगवान हमारे प्रेम में डूबे रहते हैं, हमारे प्रेम में भगवान डूबे रहते हैं, ये अनुभव होना ये छठा पुरुषार्थ। उनको हमारे सिवाय कुछ और सूझता ही नहीं। भाव इसकी एक दार्शनिक व्याख्या सुनावे और एक पौराणिक व्याख्या। सत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो गुंजानैवात्मकृतं विपाकम् ऋतवाग बपुर्भिर विदथन नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भा। चैतन्य महाप्रभु को ये श्लोक बड़ा प्यारा लगता था। अब देखो भागवत की तीन बात मैं एक साथ सुनाता हूं, उनमें तुलना करो। आजकल तुलनात्मक तुलनात्मक विवेचन की पद्धति है, तीनों का विश्लेषण करके और तात्पर्य में संश्लेषण करके, उपाय में अलग अलग विचार करके, तात्पर्य में लक्ष्य में एक करके। क्या एकता है कि एक जगह आया श्रीमद् भागवत क्षेमं विधास्यति तनो भगवास्त्र्यतीता सत्रात्मदीय विमृशेन वियानिहार्थः। वे प्रभु हमारा मंगल करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे, हमारा क्षेम करेंगे, उसमें बहुत ऊहा बोह, बहुत उधेड़ बुन, बहुत विमर्श परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। सत्रात्मदीय विमृशेन कियानि अर्थः, हम क्यों उधेड़ बुन में पड़े, प्रभु हमारा कल्याण, हम अपनी जगह पर बैठे। इसमें देखो हमारे विश्वास की प्रसन्नता, ये विश्वास लेके बैठकर ये भक्ति का एक कथा। बोले ठीक है, हम विश्वास लेके तो बैठे हैं, परंतु हमसे अपराध बहुत हो गए, प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे ये प्रसंग आने वाला है। ये दूसरी बात, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किंकल्पते मातुरभोक्ष जागते किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् अवास्ति कुक्षे यदप्यनन्तः। यदि माँ के पेट में बच्चा हो और पाँव पटकता ऊपर नीचे, तो क्या माँ उसको अपराध मानती है? आप यहाँ तो माताएं भी बैठी हुई है, उनके पेट में बच्चा भी आया होगा, और कई कई बच्चे पेट में भी उद्यमी होते हैं, बोला पैदा होने पर ही नहीं पेट में उद्यमी होते हैं। और एक जगह
जब माँ ऊपर से तमाचा जड़ती है उनको, तमाचा जड़ना होगा तो पहले अपने पेट पर ही तमाचा जड़ना पड़ेगा। तो चाहे कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, किमस्ति नास्तिक गतदेश भूषितम्, भगवान को माने कि न माने, उपद्रव करे परंतु है तो प्रभु के पेट में ही ना। जैसे माँ अपने पेट के अवो बच्चे के उपद्रव को उपद्रव ही नहीं मानती, खुश होती है कि हमारा बेटा जो होगा वो बड़ा फुर्तीला होगा, बड़ा तेज होगा, बड़ा समझदार होगा, वे हमारा कल्याण करेंगे, ये विश्वास। वे हमारे अपराध को अपराध ही नहीं मानेंगे, ये विश्वास। अब ये तीसरी बात है, इतने ही नहीं कि हमारा कल्याण करेंगे फल में और हमारे अपराध को अपराध नहीं मानेंगे, ये उससे गहरी बात है, इसलिए तुलनात्मक समालोचना। सत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो कुंजान एवात्मकृतम विपाकम, वो जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, अनुलक्ष्य कंपनम अनुकंपा, जीव की ओर देख करके भगवान के दिल का थर थर कांपना, भगवान का दिल धड़कने लगना, इसका नाम अनुकंपा है। अनुलक्ष्य जीव कंपनम कंपा, जब भगवान जीव की ओर देखते हैं, इसके अपराध की वृत्तियों को देखते हैं, तो उनका हृदय करुणा की अधिकता से नाचने कांपने लगता, कांपने लगता, कपकपी हो जाती, मन दिल धड़कने लगता, कैसे इसके ऊपर कृपा करें, कैसे उसके ऊपर कृपा, इसको बोलते हैं अनुकंपा। कृपा करने के लिए भगवान व्याकुल हो जाते हैं, वो कृपा करने के लिए भगवान व्याकुल हो जाते हैं। है तुलसी परती थी एक प्रभु मूरत कृपा है, हमें अपने साधन पर भरोसा नहीं, भजन पर भरोसा नहीं, हम जो धर्म कर्म करते हैं उस पर भरोसा नहीं, ज्ञान ध्यान करते हैं उस पर भरोसा नहीं, योग वियोग होता है उस पर भरोसा नहीं, है तुलसी परती थी एक, तुलसी को एक विश्वास है, क्या प्रभु मूरत कृपा है। सात्वरा क्वलयंगता, भगवान कभी कभी उतावले हो जाते हैं, उतावले गजेंद्र की रक्षा के लिए उतावले हो गए थे, द्रौपदी की रक्षा के लिए उतावले हो गए थे, हमारी रक्षा के समय वो उतावली क्या कहीं चली गई है। सात्वरा क्वलयंगता, तो ये जो उतावली है त्वरा है भगवान, उसका नाम अनुकंपा है। हमको एक महात्मा ने सुनाया, जब से जीव हरि से विल जाने, ये विनय पत्रिका में ये पद है, जब से जीव हरि से विल जाने, ये जीव जब से भगवान से बिछुड़ा और देह गेह को अपना मान लिया और वासनाओं के भटकाए संसार में भटकने लगा, उसी दिन से भगवान दोनों हाथ फैलाए और छाती खोल के और खड़े हैं कि मेरा प्यारा जीव जब तक नहीं आ जाएगा हमारी छाती से लगने को, तब तक हम हाथ कैसे समेटें, तब तक हम विश्राम कैसे करें, नींद छोड़ के, भूख छोड़ के, प्यास छोड़ के, विश्राम छोड़ के, दोनों हाथ फैलाए भगवान तुम्हारी इंतजार में खड़े हैं कि हमारा प्यारा जीव, हमारा प्यारा जीव हमारे पास लौट आ। प्रभु की प्रीति सत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, सन 38 में जब गीता प्रेस की स्पेशल ट्रेन निकली थी, मैं उसमें
सारे भारतवर्ष की यात्रा करने के लिए श्रेष्ठ दयाल जी, जहाँ पंडितों की भीड़ हो जाती, पंडित लोग ज्यादा आ जाते, तो सेठ जी हमको सामने कर देते। और 30 वर्ष पहले की बात है, सन 38 से 30 वर्ष हो गए, बैगवाड़े में ट्रेन पहुंची तो वहां के लोग हिंदी तो जानते नहीं थे, और सेठ जी भी मारवाड़ी और हिंदी छोड़ के दूसरी भाषा में बात नहीं कर सकते थे। तो वहां व्याख्यान देने के लिए हमको आगे कर दिया गया। तो मैंने ये बात उन को सुनाई कि कृपा की प्रतीक्षा नहीं करना है, समीक्षा करना है। प्रतीक्षण नहीं, समीक्षा, उसकी इंतजार नहीं करनी है, उसको पहचानना है। इंतजार में और पहचानने में फर्क होता है। अभी ना होए, आगे आने वाली होए, तब तो इंतजार करें, और अभी होए और हम ना पहचानते हो तो पहचान ले। तो यहाँ सत्यनुकंपां सुसमीक्षमाणा का अर्थ है कि भगवान की कृपा निरंतर निरहैतुक, अधिकार निरपेक्ष, बिना अधिकारी का ख्याल किए, जैसे सूरज वेद पाठी को भी अपनी रोशनी देता है कि वेद पढ़ो, और कोई सूरज की रोशनी में चोरी करना चाहे तो सूरज को भी रोशनी देता है, चोर को भी रोशनी देता है। सूरज ये नहीं देखता कि ये वेद पाठी है कि ये चोर है, रोशनी देना उसका काम है। इसी प्रकार भगवान ये देखे बिना कि हमारी कृपा किसके ऊपर गिर रही है, अधिकारी का विचार किए बिना, जैसे अपनी सत्ता से सबको सत्तान्वित कर रहा है, जैसे अपने ज्ञान से सबको प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही अपने आनंद से सबको आनंदित, अपनी कृपा। भगवान कहा, कृपा भगवान की किस पर है? तो जिस पर भगवान है। तो भगवान की कृपा कहाँ है? कि जहाँ भगवान है। तो भगवान की कृपा कब है? कि जब भगवान है। तो भगवान की कृपा क्या है? कि जो भगवान है। इसका मतलब हुआ कि कृपा ही कृपा है। अब महाराज बेजवाड़ा में पंडित लोग थे, 5-4 पंडितों पगड़ी बांधे हुए बड़े बड़े, वो चतरा कंधे पर रखे हुए मद्रासी रंग आंध्र के पंडित खड़े हो गए तमाम। बोले कि क्या भगवान अधर्मी पर भी कृपा करते हैं, चोर पर भी कृपा करते हैं, उनके पर भी कृपा करते हैं? तो मैंने श्री रामानुज संप्रदाय की, वो लोग लगाए हुए थे तिलक, श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान की कृपा कैसी मानते हैं, इसके लिए दो मत हैं। हो श्री रामानुज संप्रदाय में ही दो मत हैं, एक वेदांत देशिकाचार्य का है, एक तो ये है कि भगवान सब पर कृपा करते ही हैं, एक मत है। शरण्य का जो गुण है भगवान में, वो पूरी तरह से है, आश्रय को सुगम बना दे, आश्रित का कार्य बना दे, साधनहीन के घर पहुंच जाए, दोषी को स्वीकार कर ले, सब गुण भगवान में मौजूद है। पर अंत में एक बात आई, वेदांत देशिकाचार्य के मत में ये है कि भगवान कृपा तो सबके ऊपर करते हैं, परंतु जिसके हृदय में कृपा की मांग होगी होती है, उसके हृदय में कृपा उतरती है, और जिसके हृदय में कृपा की मांग नहीं होती, कृपा की प्यास नहीं होती, उसके ऊपर कृपा नहीं उतरती। ये वेदांत देशिकाचार्य का मत है। रक्षापेक्षा अपेक्षते, रक्षापेक्षा अपेक्षते, भगवान अपेक्षा करते हैं। क्यों नहीं कृपा कर देते? बोले इंतजार कर रहे हैं भगवान। क्या इंतजार कर रहे हैं?
जब हमसे हमसे ये मांगे कि रक्षा रक्षा प्रभो प्राहिमाम प्राहिमाम त्रायस्व त्रायस्व, हमारी रक्षा करो रक्षा करो, ये पुकारे तब हम दौड़ के इसकी रक्षा करें। रक्षा पेक्षा अपेक्षते, तो वो लोग बड़े संवैधानिक हैं, बोला विधि विधान को बहुत मानते हैं, कर्मकांड को भी मानते हैं, क्रिया योग का वहां दक्षिण में बड़ा ही प्रचार है। बोले कि भगवान यदि सबके ऊपर कृपा करे तब तो मच्छर पर भी कृपा करे, जुए पर भी कृपा करे, सीधी पर भी कृपा करे, पापी पर भी कृपा करे, सबका उद्धार हो जाए। लेकिन भगवान की बनाई हुई एक मर्यादा है कि जो उनसे कृपा की याचना करे उसके ऊपर कृपा करते हैं। रक्षा अपेक्षा अपेक्षित है। अब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये रक्षा की जो अपेक्षा है, शास्त्रार्थ सही हो गया भरी सभा में, ये अब 20 बरस की बात है, उस समय मैं भी पंडित था, हो जवान था, कोई आपकी तरह बुढ़ा थोड़ी था कि कोई जो कह दे कोई कहते हाँ भाई ठीक है। अब तो ऐसा है कि कोई आके कहे कहा भाई एक नजर से ये भी ठीक है, अब शास्त्रार्थ में रुचि नहीं रही, मतभेद प्रकट करने की भी रुचि नहीं रही, तो कोई फायदा भी नहीं, मैं डट गया। मैंने पूछा कि अच्छा ये रक्षा अपेक्षा, जीव के हृदय में भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने का जो भाव हृदय होता है ये कौन देता है? माना कि पुकारने पर रक्षा करने आते हैं, और जीव भगवान को पुकारने लग जाए ये प्रेरणा कौन देता है? तो आप जानते हैं कि वैदिक संस्कृति में हिंदू धर्म में खुदा और शैतान ऐसी कोई दो चीज नहीं है, एक ही परमेश्वर माना जाता है। जाके बल लवलेश से जिते उचरा कर जाय, रावण के हृदय में भी बैठ करके उसको बल देने वाला भगवान। तो देखो ना, एक ही बिजली है जो बल्ब को रोशनी देती है, पंखे को घुमाती है, हीटर में आग जलाती है, रेफ्रिजरेटर को ठंडा करती है, लाउड स्पीकर में आवाज भरती है, बिजली तो एक ही है। रक्षा की अपेक्षा भी भगवान ही जागृत करता है। साधु कर्म कर रहे थे जब मुन्नी सोते, एवं साधु कर्म कर रहे थे जब अधोनिनी सोते। भगवान जिसको अपनी गोद में उठाना चाहता है उसके हृदय में पुकार जगाता है, और जब वो पुकारता है तो गोद कहता है चलो उठर, ये हमको पुकार रहा है, हम इसको गोद में लेंगे। माँ जिस बच्चे को गोद में लेना चाहती है और धीरे धीरे से चिकोटी काट दे उसको, और वो रोने लगे और उसको गोद में उठा दे, और बच्चे बोले हमको बोले ये हो रहा है भाई जरा इसको गोद में ले लेते, तो वो भी एक ब्याज है भगवान का। बना ब्याज है माने बहाना है, बहाना मिस है। भगवान को एक बहाने की जरूरत रहती है कि वो कोई बहाना बना के अरे भाई इसको तो गुरु ने स्वीकार कर लिया, इसने तो हमारा नाम ले लिया, इसने तो हमारी पूजा कर ली, इसने तो तुलसी ले ली, इसने तो गंगा जल ले लिया। इसमें जीव का प्रयत्न जीव का पुरुषार्थ नहीं है, वो तो भगवान एक कोई न कोई अरे इसने अपने बेटे का नाम लिया तो क्या हमारा नाम लिया, अभी आप क्या इसको ठीक समझते हैं? ये बहाना नहीं है, ये भगवान की बिल्कुल बहानेबाजी है कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया और वो बोलते हैं क्या हुआ उसके मन में बेटा था, क्या हुआ नाम तो हमारा है, उसके उद्धार का ब्याज है, ब्याज लेके भी भगवान उद्धार करते हैं, मित्र लेके भी उद्धार करते हैं। तत्ते नुकंपाम सुसमी क्षमाणो
कुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् भरद्वाज बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते तत्रेऽनुकम्पाम् समीक्षमाणः। तो अच्छे अच्छे की का वर्णन हम नहीं करते हैं, बोला क्यों? क्योंकि अच्छे अच्छे में भगवान की कृपा है, ये तो सब समझते हैं। भगवान 5 रुपया दें, ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि आपने हमारे घर में 5 रुपया भेज दिया, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, इसको तो सब समझते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे बेटे का ब्याह हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हमारे पौत्र हुआ है, ईश्वर की कृपा से हम रोग मुक्त हो गए, ये बात तो सब लोग लिखते हैं। ये कोई कोई चिट्ठी आती है ऐसी भी जिसमें लिखा रहता है ईश्वर की कृपा से हमारे पिता की मृत्यु हो गई, तो ऐसी चिट्ठी भी आती है ना। चिट्ठियों का वैसे चिट्ठियों का माहिर तो दादा ये पढ़ता होगा, मैं अपने पास आई हुई सब चिट्ठी नहीं पढ़ता हूँ, हमको तो जितनी चिट्ठी बता देते हैं उतने ही पढ़ते और लिखते तो है ही नहीं हम। वो कोई कोई ऐसा लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा से महाराजा द्राज का स्वर्गवास हो गया ईश्वर की कृपा से, और अब बड़े हर्ष का विषय है कि उनके पुत्र राजकुमार अमुक की राजगद्दी होने वाली है, आप कृपा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। तो भाई कई बेटे अपने बाप के मरने पर बहुत खुश होते हैं, ऐसे भी हम हंसी की बात नहीं बोलते, हम सचमुच जानते हैं तो बोलते हैं, तो ये बुद्धा तो गति नहीं छोड़ रहा है ऐसे बोलते हैं। तो आओ भगवान की अनुकंपा देखो, अब अनुकंपा क्या है, तो आप ईशावास से उपनिषद का जो मंत्र है ना, तदेजति तन्नयति तद्दूरे तद्वंतिके, सगुण रूपेण तद् ब्रह्म एजति, एजते कंपते, एत्री कंपने धातु है, कंपनार्थक एक धातु से लौकिक व्याकरण में एजते बनता है और वैदिक में एजति भी बनता, तत्जति कंपते ईश्वर कांप रहा है, और ईश्वर के कंपन में वेदांत दर्शन में एक कंपनाधिकरण है, वो उसका नाम ही कंपनाधिकरण है। जैसे आदमी कांपता है ना, तो आप गौर से देखना उसके कांपने में अलग अलग शकल बनेगी, आकृति बनेगी ना, कंपन से तो आकृति बनेगी। तो ये जो हमें प्रपंच दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, जैसे देखो समुद्र कांपता है तो लहर बनती है, कोई छोटी और कोई बड़ी, और पर्दे पर तस्वीर कांपती है कि नहीं, वो प्रकाश में वो ली हुई तस्वीर में फोटो में से जब प्रकाश गुजरता है तो वो गुजरता हुआ प्रकाश जो है वो छाया भी ले जाता है तस्वीर की और उसको नचाता है, तो तस्वीर नाचती हुई मालूम पड़ती है। ये सृष्टि क्या है आपको इसका दर्शन बता दें, तांत्रिकों ने ये सिद्धांत माना हुआ है, ये भगवत तत्व का स्पंदन है, हिलता हुआ भगवत तत्व ही सृष्टि के रूप में भाग रहा है, इसमें चोर चमार, इसमें साधु और पापी, इसमें बड़ा और छोटा, और इसमें शेष और नौकर, राजा और प्रजा, क्या है ईश्वर का की कांपती हुई मूर्ति में ये लहर की तरह, ये तरंग की तरह, ये सीकर बिंदु की तरह, उपरोक्त की तरह,
ये सारी सृष्टि दिखाई पड़ रही है, ये अलग अलग मुंड कितने दिखाई पड़ रहे हैं, ये अनंत अनादि अनंत परिपूर्ण अद्वितीय ईश्वर के भीतर कंपन बिंदु है। ये सच्चिदा आनंद बिंदु ही कंपायमान होकर सृष्टि के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। एक भगवान के सिवाय न कोई चीटी है न कोई हाथी, जैसे हाथ का कंपन, जैसे समुद्र का कंपन, जैसे पृथ्वी का कंपन, जैसे आग की लपटें उठती हैं, आप जोर से देखना तब मालूम पड़ेगा कभी अग्नि प्रज्वलित हो और उसकी लपट हो। हम तो जन्म से कितनी बार इंद्राय स्वाहा किया है ब्राह्मण, अपना नहीं अपने यजमानों का, अपने घर में होम करना होता तो दूसरे पंडित को बुला लेते और दूसरे के घर में जाके करवाना होता तो खुद करते, अपने हाथ से इंद्राय स्वाहा किया हुआ है। कितनी बार हवन देखिए वाशिष्ठी हवन पद्धति तो हमको कंटस्थ भी बचता, तो आग में जब हवन करते हैं ना तो लपट उठती है। आप कभी गौर करके देखना, उस लपट में कभी मालूम पड़ेगा कि ये शिवलिंग है, कभी मालूम पड़ेगा शालग्राम, कभी मालूम पड़ेगा इंद्र है, कभी मालूम पड़ेगा चंद्रमा है, कभी मालूम पड़ेगा सूर्य है। वो लपटें जो कांपती है ना, अग्नि ज्वाला जो कांपती है, उसमें भिन्न भिन्न आकृतियां भासती हैं। ये जो वायु का कंप है, आप हिलते हुए पेड़ को देखिए, मजा आ जाएगा। अरे बहु बेटी की काल से छुट्टी नहीं मिलती तो क्या करोगे, तुमको क्या मालूम है? नोन लकड़ी से छुट्टी नहीं, बहु बेटे से छुट्टी नहीं, दिन रात घर द्वार के फिक्र में पड़े हो, तुमको आखिर मालूम क्या पड़े? देखो इसी से हम लोग कभी कभी तिरस्कार की भाषा में बोल देते। अभी हमारे यहाँ जो वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही थी, मैंने वहां बताया था, मैं जहाँ बैठता था वहां से छत के ऊपर नीम के पेड़ दिखाई पड़ते थे, वो हवा से हिलते थे, वो तो कभी उसमें मालूम पड़े कि सीताराम लक्ष्मण बैठे हुए हैं, कभी मालूम पड़े कि वानरी सेना नाच कूद रही है, कभी मालूम पड़े राम राज्याभिषेक हो रहा है, तो कभी मालूम पड़े भरत मिलाप हो रहा है, कभी मालूम पड़े कि विभीषण का तिलक कर रहे हैं भगवान। अब हम सामने रामायण सुनने बैठते, सामने नीम का पेड़ नाचता था, उसमें तरह तरह की शक्लें बनती रहती थी। तो एक तत्व में शक्ल बन ही सकती है तब जब कंपन हो, किसी भी एक धातु में एक तत्व में आकृतियों की उत्पत्ति तब होगी जब उसमें स्पंदन हो, जब उसमें कंपन हो। कार्यम यत्र विभाव्यते किमपि तत् स्पंदे न तद्व्यापकम् स्पंदश्चापि तथा जगत् विदितः शब्दान्वयी सर्वदा। तो ये जो जितनी शक्लें मालूम पड़ रही हैं दुनिया में, मच्छर की, पशु की, पक्षी की, मनुष्य की, देवता की, दानव की, ये क्या है? क्या ये हिलता हुआ सगुण ब्रह्म है? अनुतत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणा, ये नाना प्रकार की आकृतियों को बराबर जैसे सिनेमा के पर्दे पर एक ही प्रकाश नाना प्रकार की आकृतियों में प्रकट होता रहता है, वैसी ये नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकार निर्धर्मक निर्विशेष ब्रह्म रूप अधिष्ठान में पर्दे पर ये जीव की दृष्टि से दिखने वाला सगुण ब्रह्म का नृत्य हो रहा है, जो ये प्रपंच है। इसमें मुर्दा भी दिखता है, जन्मा हुआ जन्म भी दिखता है, जन्मता हुआ भी दिखता है, मुर्दा भी दिखता है, आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है, सोता हुआ भी दिखता है, जागता हुआ भी दिखता है। अरे देख रे भाई देख, खोल दे फलक, देख ले खलक, खलक मानो दुनिया, और खलक में खालिक, खलक में खालिक, खालिक माने ईश्वर है।
खलक में खालिक भरा है, फलक खोलो और खलक देखो। रोग रोग में देखो, कण कण में देखो, कण कण देखो। सत्संगी भाई, तुम ये पहचानो कि तुम्हारे दिल में राग द्वेष बढ़ रहा है, जल्दी दूर करो। घमंड बढ़ रहा है तो जल्दी दूर करो। भय बढ़ रहा है तो जल्दी दूर करो। दोष गुण की दृष्टि बढ़ रही है तो जल्दी दूर करो। ये दोष गुण के भावाभाव का अधिष्ठान है, उसको देखो। बोले महाराज, तुम तो बस ईश्वर 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 के चक्कर में पड़ जाए, खाना पीना भूल जाए। कहां से आएंगे पैसे? श्रीमती जी कैसे खुश रहेंगे? बोले कि देखो, जो तुम्हारी चिंता करता है वो सबकी चिंता करे, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात आती है कि नहीं जो तुम नहीं चाहते हो? तुम दुख चाहते हो तो उससे बचने का परहेज करते हो, कहाँ करते हैं? कोशिश करते हो कहाँ? बुद्धि लगाते हो कहाँ? आए के लिए दुख न तो क्यों आता है? है न तुमसे ज्यादा बलवान कोई जो तुम्हारे बुद्धि लगाने पर भी, यत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी, रोकने की चेष्टा करने पर भी तुमको दुख देता है? तो जो तुम्हारे कर्म के अनुसार दुख देने में इतना सजग है, इतना सावधान है, वो क्या तुमको सुख नहीं देगा? मैंने अपने जीवन के अनेक अवसरों पर देखा है, जब मैं चुप हो गया तो मेरी ओर से ईश्वर ने बोलना शुरू कर दिया। जिस काम को मैंने छोड़ दिया उसको ईश्वर ने पूरा किया। जब हमने रोटी बनानी बंद कर दी तो ईश्वर ने बनी बनाई रोटी दे दी। ये मैंने देखा है, एक बार नहीं हजार बार देखा। आप क्या समझते हैं, अपने बुद्धि के अभिमान में कहीं इसको झुकने दो, नम्र कोई बुद्धि में भी विनय आने दो, नम्रता आने दो। कुंजान एवात्मकृतम विपाकम, कर्मानुसार फल ईश्वर देता है, उसका भोग करो। कर्मानुसार जो फल देता है ईश्वर, गुंजान एव, इनकार मत करो। यदि कर्म करते समय इनकार कर देते, इनकार करने का समय कब होता है? जब बुरा कर्म करने के लिए पांव उठते हैं, जब बुरा कर्म करने के लिए हाथ उठते हैं, जब बुरी बात बोलने के लिए जीभ उठती है, उस समय अगर तुम इनकार कर देते तो तुम्हारे जीवन में दुख ना आता ही क्यों? लेकिन उस समय तो तुमने इनकार किया नहीं, हाथ से पराये माल का अपहरण किया, पांव से बुरी जगह गए, जीभ से दूसरों की निंदा की, और जब अब उसका नतीजा आया, भोगने को जुर्माना हुआ, सजा हुई, तब इनकार करते हो। अब इनकार करने से नहीं चलेगा, वो समय तो बीत गया। अब तो ये देखो, एक आदमी ने एक गलती की, एक सत्पुरुष थे, उनको वो बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बाएं हाथ से गलती करने वाले का हाथ पकड़ा और दाहिने हाथ से गर्व के वो बिना लिहाज के दो शपथ लगा दी, तुमने ये काम क्यों किया? आप क्या समझते हैं? वो जो साधक था वो बोला कि प्रभु, तुम हमको इतना अपना समझते हो, मैं तो इतने अपनापन को समझता ही नहीं था। मनुष्य अपनापन समझने में गलती करता है, वो समझता है कि हमारे साथ अन्याय है। जो काम मेरा समझ के होता है
उसको आदमी भूल से अन्याय समझ बैठता है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि आज हमारा गुलाब जामुन खाने का मन है, बाजार से ले आओ। पति गया, गुलाब जामुन खरीद के ले आ। सामने पड़ोसी की स्त्री खड़ी थी, उसने कहा हो आज तो तुम गुलाब जामुन लेके आए, बड़ी अच्छी लगती है, कहा तुम्हें पसंद है क्या? चलो। और उसने पड़ोसन को दे दिया। अब घर में जो घुसा तो श्रीमती जी को धंधा लेके खड़ी, हमारे लिए गुलाब जामुन लाए और पड़ोसन को खिला दिया। बोले भाई तुम तो अपनी हो, एक दिन बिना गुलाब जामुन के भी रह सकती हो, एक दिन तुम अपनी हो भूखी भी रह सकती हो, हम तुमको भूखे रखने के अधिकारी हैं, लेकिन पड़ोसन के मांगने पर अगर हम उसको न देते तो हमारी और तुम्हारी दोनों की प्रतिष्ठा दूर में मिल जाती। क्या हमको इतनी भी उदारता नहीं है कि हम पड़ोसन के मांगने पर चार गुलाब जामुन उसको दे दें और तुमको भूखा रख दें? लेकिन श्रीमती जी की समझ में ये कब आ गए? एक दृष्टांत आपको दे, जब उस साधक को चपक लगा, बोले मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी गलती है, परंतु मेरी गलती दूर करने के लिए मेरे ऊपर क्रोध करके आप चपक लगा देंगे, हमारी गलती दूर करने के लिए ये आपके बारे में हमारी कल्पना नहीं थी। आप इतना अपना समझते हैं, कृतम विपाकम। अरे बाबा प्यारा, जो दे तुम चीज क्यों देखते हो, हाथ क्यों नहीं देखते? चीज दिखती है, हाथ नहीं दिखता है तो बेवकूफ है, देने वाला कौन है? दुश्मन अगर आज मिठाई भी दे तो कल जार दे सकता है, और दोस्त आज जहर भी दे तो वो हमारे लिए दवा हो सकते हैं। तो ईश्वर पर क्या इतना भी विश्वास नहीं है कि वो हमारा दोस्त है? वो हमें जन्म देता है, इसमें भी दया है, वो हमको रुलाता है, इसमें भी दया है, वो हमको वियोग देता है, इसमें भी दया है, वो हमको अपमानित करता है, गाली देता है, इसमें भी दया है, वो हमको भूखे रखता है, इसमें भी दया है, वो हमको जब मारता है, एक शरीर छुरा कर दूसरे शरीर में ले जाता है, वो भी दया है। आत्मकृतम विवाह, तो जीवन की शैली क्या है? प्रश्न ये आया कि जीवन की शैली क्या है? बोले हृदबाग बपुर विदधत नमस्ते, विदधन नमस्ते, सहत गदत, हृदय वाणी और शरीर इनको नम कर दो, ईश्वर के सामने झुका दो, सख्त मत करो, कड़ा मत करो, अपने को मोम बना के भगवान के सामने रखो। मोम 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 जानते, मोम बोलते होंगे तो मीर, हमारी तरफ मोम ही बोलते हैं। हम एक सेठ के घर में थे, तो आप अपने बचपन की और सेठ के घर के बच्चों को, हम जब बच्चे थे तो हमारे घर के सामने एक गोबर था, उसमें से हम लोग मिट्टी उठा के ले आते और उससे हाथी बनाते, घोड़ा बनाते, खेलने गाय बनाते, बैल बनाते, मिट्टी से बनाते, वो थोड़ी देर में सूख जाती, फिर जो उसमें पतला पतला हिस्सा था वो टूट गिर जाता, क्योंकि उसको खेलने बनता होता। और सेठों के घर के बच्चे अगर मिट्टी ला के खिलौना खेलने लगे तो घर गंदा हो जाए, बिस्तर गंदा हो जाए, तो उनको मोम दिया जाता था।
मोम, वो अपने हाथ में मोम ले लेके मोम की नाक लंबी कर दे, उसमें से हाथ निकाल दे, उसमें कान बना दे, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये औरत है, ये मर्द है। तो जैसे मोम नरम होकर खिलाड़ी के हाथ में रहती है और खिलाड़ी मोम को चाहे जैसा बना दे। एक घर में देखा हो बच्चे चौके में जाकर रसोई से गूंथा हुआ आटा लेके आते थे, उससे खिलौना बना। अब भाई हम लोग तो माटी का ही बना देते। ईश्वर का कभी खेलने का मन आ गया तो तुम उसके सामने अपने को गूंथा हुआ आटा मोम बना के रखो। वो चाहे जिस शक्ल में तुमको बनाए और बना के खुश हो, तो तुम्हें उस शक्ल में नंगा देख के, तुमको श्रृंगार में देख के, तुमको रोते देखकर, तुमको हंसते देखकर, तुमको बैल देखकर, तुमको ऊंट देखकर, तुमको है ना, अगर ईश्वर खुश होता है तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। नम्र बनाकर अपने को ईश्वर के सामने रख दो। रुद्रवाग बपुर भीर विदधत नमस्ते, ते तुभ्यम नमः विदधत। कई हृदयवाग बपुर भी, हृदय भी नरम, शरीर भी, शरीर को जहां भेजे वहां गिराने दो। जेहि जेहि जो नि करम बस भ्रमही, तेहि तेहि नाथ देहि हम। सेवक हम स्वामी नाहू, ओ नाथ यही नाथ निबाहू। नाथ योग सहस्रेषु येषु देशु प्रजाम्यहम, येषु ते स्वच्छता भक्ति अच्छदास्तु सदात्मी। दिविवा भुविवा ममास्तु पातो, नरके वा नरकान्तक प्रकामम् भवधीरित शारदा अरविन्दौ, चरणौ ते मरणे चिन्तयामि। आश्लिष्य माम पादरताम् विनष्टु वाप्य दर्शनान् मर्महताम करोतु। मैं उसके चरणों की दासी, चरणों की रता लता, वो मुझे उठाकर अपने हृदय से लगावे और पीस दे, माने गाढ़ा लिंगन करे, अथवा कभी दर्शन न करे न देवे और हमारे हृदय को पीड़ित करे, मर्माहत कर दे। यथा तथा बाधातु लपटो मत्राणनाथ, जैसे उसकी मर्जी हो, जैसी उसकी मौज हो, वैसा वो करे, हमारा प्राणनाथ तो वही है। असुंदर सुंदर शेखरो गुणैर्विहीनो गुणिनां वरोवा, द्वेषी मैश्या करुणां बुधिर्वा, कृष्ण सैवात्य गतिर्मवास्तु। वो चाहे सुंदरों का शिरोमणि हो और चाहे असुंदर हो, वो गुणहीन हो अथवा गुणियों में श्रेष्ठ हो, मुझसे द्वेष करे या मेरे प्रति प्रीति करे, कुछ भी करे, मत प्राणनाथस्तु स्वयं नापरहा, मेरे प्राणों का स्वामी तो वही है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहदीत नरे धनुबाना। अच्छा, अब चलते।